दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर आज की जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दरअसल नॉमिनेट सारे सदस्य हैं, मतलब घर का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो कि नॉमिनेट नहीं है। अब इसके अंदर नॉमिनेशन से बचने का एक तरीका है, घर से आपसी सहमति से बच सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति के बदले कुछ त्याग करना होगा, घर की चीज़ों का त्याग करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आता है बिग बॉस के घर के अंदर नॉमिनेशन के लिए त्याग का। तो गार्डन एरिया में रखा हुआ बेड त्यागने के लिए बोलते हैं बिग बॉस, और किसी एक सदस्य को आप बचा सकते हैं। जहाँ पर पारस जो है सीधे तौर पर आते हैं और कहते हैं कि माहिरा को बचा लेते हैं, लेकिन इसके अलावा सहनाज मानती नहीं है और कहती है कि आरती को बचाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये तो आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, और जो सेफ होंगे वो सेफ होंगे, लेकिन मधुरी माँ पक्का नॉमिनेट होंगी क्योंकि वो है 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस में लग्जरी बजट टास्क के बारे में, और इसके अलावा घर की कैप्टेंसी के बारे में कि किसे कप्तान बनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि लग्जरी बजट टास्क हर हफ्ते होता है, ज़्यादातर घर वाले इसे रद्द करा देते हैं, लेकिन इस बार इस टास्क को रद्द करा देंगे तो वापस से कोई कप्तान नहीं बनेगा, क्योंकि कैप्टेंसी कंटेंडर इसी से चुने जाते हैं। पिछली बार भी हमने ये चीज देखी थी कि लग्जरी बजट के आड़ के अंदर लोग अपना गुस्सा एक दूसरे पर निकाल रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे। जैसे ही वो धक्का मुक्की कर रहे थे चोटें लग रही थी, चोटें लगने की वजह से बिग बॉस ने पहले तो उसे स्थगित किया, उसके बाद वापस चालू किया सिर्फ एक बास्केट के साथ, और फिर उसके बाद टास्क को बंद ही कर दिया क्योंकि संचालक भी थोड़ा सा ढीला था और घर के अंदर बिग बॉस नहीं चाहते थे कि किसी और का हाथ पैर टूटे और वो भी सर्जरी में जाए जैसे पारस गया था। अब दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर लग्जरी बजट टास्क तो होने वाला है, लेकिन घर का सही कप्तान कौन साबित होगा ये एक बड़ा सवाल है। यूं तो घर में ज़्यादातर कंटेस्टेंट बारी बारी कप्तान रह चुके हैं, लेकिन रश्मि देसाई, पारस छाबड़ा, माहिरा ऐसे सदस्य हैं जो एक बार भी अभी तक कप्तान नहीं बने। कप्तानी की शुरुआत आरती ने की थी, जो कि अपनी कप्तानी में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद शेफाली जरीवाला ने कप्तानी संभाली तो थी, लेकिन कप्तानी खत्म होते होते वो बायस्ड नजर आने लगी थी। इसके बाद कप्तान जो बने थे वो थे सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला की कप्तानी की अगर बात करें तो उन्होंने भी कप्तानी काफ़ी अच्छी तरीके से निभाई थी और घर के ज़्यादातर सदस्य उनकी बात मानते थे। बाद विकास गुप्ता भी कप्तान बने थे, और आपको बता दें कि कप्तान बनने के बाद उन्होंने घर को संभाला तो था, लेकिन वो खुद ही सोते रहते थे। दूसरी ओर घर के अंदर कप्तान बने थे आसिम रियाज। आसिम रियाज ने माहिरा की चिट्ठी डालकर कप्तानी का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया था। यूँ तो आसिम रियाज हमेशा से ही अच्छे कंटेस्टेंट हैं, लेकिन दोस्तों इस बार आसिम रियाज की जो कप्तानी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह गई थी जब आखिरी में काम करने की बारी आ रही थी। अब दोस्तों घर का कप्तान कौन बनना चाहिए ये तो घर वाले ही डिसाइड करेंगे। जनता तो एक ही चीज़ डिसाइड कर सकती है, अपना फेवरेट कंटेस्टेंट और किसे बनाना चाहते हैं वो कप्तान। तो दोस्तों ये बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं कि आप कप्तान किसे बनाना चाहते हैं और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है घर के अंदर, और आप किसे चाहते हैं कि वो बिग बॉस का 13वां सीज़न जीत जाए और 50 लाख की धनराशि अपने घर ले जाए। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।